और अब खबर लखनऊ से है। खबर ये कि सपा ने बिजनौर में अपना प्रत्याशी बदल दिया है। बिजनौर से दीपक सैनी को टिकट दे दिया गया है। बिजनौर से पहले यशवीर सिंह को टिकट दिया गया था। मुरादाबाद से एससी हसन को टिकट दिया गया है। तो सपा ने अपना प्रत्याशी बदला है। बिजनौर से दीपक सैनी को अब टिकट दिया गया है। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यशवीर सिंह पहले यहां पर से प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन अब बिजनौर से टिकट बदल दिया गया। दीपक सैनी को यहां पर से टिकट मिला है। तो लगातार पार्टियां अपने कैंडिडेट के नाम जो है वो सामने रख रही हैं, कहां कहां से कौन उम्मीदवारी कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बदलने की बात सामने आई है। बिजनौर से कैंडिडेट जो है बदला गया है और दीपक सैनी को टिकट अब दिया गया, यानी कि नए प्रत्याशी जो है दावेदारी जो है सपा की तरफ से दीपक सैनी करेंगे बिजनौर से। हालांकि इससे पहले यशवीर सिंह को टिकट यहां पर से दिया गया था, लेकिन अब उनका नाम बदल कर नया नाम सामने आया है दीपक सैनी का। विवेक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके। विवेक, प्रत्याशी बदल दिया है बिजनौर से समाजवादी पार्टी ने अपना, क्या जानकारी है इसको लेकर, क्यों प्रत्याशी बदला गया है? देखिए, दीपक सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि इससे पहले जब बिजनौर से, आपको याद होगा कि बिजनौर में समाजवादी पार्टी के विधायक जीते थे और विधायक थे और मीरपुर सीट से उनको सीट दी गई है, जब वो भाजपा में शामिल हो गए राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में, तब वहां से चंदन चौहान लड़ रहे हैं। तो वहां यशवीर सिंह को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वहां पर परिस्थितियां जो जाति समीकरण है वो अलग है, तो दीपक सैनी वहां जाति समीकरण के हिसाब से फिट बैठ रहे थे, इसलिए प्रत्याशी बदला गया है। इसके अलावा तमाम वहां पर जो दावेदार थे वो यशवीर सिंह के नाम पर बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे। दीपक सैनी एक सर्वसम्मति से जब लोगों को बैठाया गया, वहां बातचीत हुई, क्योंकि तमाम दावेदार थे तो दीपक सैनी का नाम तय हुआ। दीपक सैनी के पिता नूरपुर विधानसभा से विधायक भी है, राम अवतार सैनी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। हालांकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने कई प्रत्याशियों के नाम बदले हैं, कई सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो मुरादाबाद सीट थी, जहाँ से वर्तमान सांसद, इस समय सांसद हैं डॉक्टर एस टी हसन, उनके टिकट पर उहापोह की स्थिति चल रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने उनको फिर से दोबारा से रिपीट किया है, टिकट दे दिया। चर्चा ये भी थी कि रामपुर पर आज कोई फैसला आएगा, क्योंकि आज कई लोग मिले थे रामपुर के जो वहां पर नेता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस पर भी जल्द फैसला जो है सामने आएगा। फिलहाल परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर कैंडिडेट बदला गया है। शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी के लिए।